नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं निशा सिंह। पेरिस ओलंपिक से रेसलर विनेश फोगाट भारत लौट आई हैं। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वो फाइनल में पहुंचने के बाद भी मेडल नहीं जीत पाई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बजरंग पूनिया भी वहां पर मौजूद। बजरंग पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लग रहा है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया पर तिरंगे के पोस्टर पर खड़े होने पर विवाद हो गया है। ये घटना 17 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत चुके बजरंग भी विनेश का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। विनेश 50 किलोग्राम कैटेगरी की फाइनल में जगह बनाने के बाद भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाई। विनेश फोगाट के स्वागत के दौरान बजरंग तिरंगे के पोस्टर पर खड़े हो गए। वो जूता पहनकर कार के बोनट पर खड़े थे। वहां से बजरंग भीड़ और मीडिया को संभाल रहे थे। बोनट पर ही तिरंगे का पोस्टर चिपका हुआ था। इस पर बजरंग ने अपना पैर रख दिया। इस घटना पर घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग बजरंग पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बजरंग पूनिया का बचाव भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बजरंग से यह बड़ी गलती अनजाने में हो गई। वह भीड़ और मीडिया को संभालने में व्यस्त थे। कार भीड़ से अपना रास्ता बना रही थी। बावजूद उसके कई लोगों ने बजरंग की आलोचना भी की है। उनका मानना है कि यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर है। विनेश का भव्य स्वागत किया गया वापसी पर। दरअसल पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के बावजूद अधिक वजन होने के कारण पदक नहीं जीत पाने वाली भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जो है भव्य स्वागत किया गया। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसा स्टार खिलाड़ियों के अलावा पंचायत नेता भी विनेश का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। विनेश का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और वो फूल मालाओं से लदी हुई नजर आई। उन्होंने खुली जीप में सवार होकर लोगों का आभार व्यक्त किया। विनेश ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरे देश का आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमारे साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नमस्कार।